नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ टुडे के फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और पाकिस्तान भारत को अक्सर युद्ध की धमकी देता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाक सेना अपने पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट के दम पर इतराती है तो भारत के पास ऐसा कौन सा जेट है जो F-16 का मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। ऐसे में भारत के पास Sukhoi-30 पाक के F-16 को करारा जवाब दे सकता है। आइए आज हम आपको इन दोनों एडवांस जेट्स में मौजूद उन फीचर्स के बारे में बताते हैं जो इन दोनों मल्टी रोल जेट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को जनरल डायनेमिक्स और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर तैयार किया है। एक F-16 की यूनिट की कीमत $18.8 मिलियन के आसपास बैठती है। वहीं रूस के फाइटर जेट सुखोई को सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे रूस की ओर से मिले लाइसेंस के बाद रूस के साथ मिलकर तैयार किया है। सुखोई की एक यूनिट की कीमत जो है $53 मिलियन है। अब स्पीड की तुलना करेंगे, सुखोई 751 नॉटिकल मील पर न्यूनतम और अधिकतम 1620 नॉटिकल मील तक जा सकता है। सुखोई 14,970 फीट की न्यूनतम और 56,800 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। सुखोई की अधिकतम स्पीड जो है 2120 किमी प्रति घंटा है। वहीं F-16 की बात करते हैं तो 1,411 नॉटिकल मील तक न्यूनतम और अधिकतम 2,280 नॉटिकल मील तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम यह 8,170 फीट और अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ सकता है। F-16 की अधिकतम स्पीड 2175 किमी प्रति घंटा है। अब बात आती है राडार सिस्टम की। तो राडार सिस्टम में Sukhoi-30 में N11M राडार हैं जिसकी डिटेक्शन रेंज करीब 140 किमी तक है। वहीं F-16 में फिट APG राडार के परफॉर्मेंस को सुखोई से बेहतर माना जा सकता है। टारगेट का पता लगाने में सुखोई को F-16 से बेहतर माना जाता है। वहीं सुखोई में इंस्टॉल PESS राडार को आसानी से राडार वार्निंग सिस्टम में डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन F-16 में ESA के साथ ऐसा नहीं है। अब बात आती है दोनों के वजन की। तो दोनों के वजन के मामले में लॉकहीड मार्टिन F-16 सुखोई से पीछे नज़र आता है। सुखोई का वजन 38,800 किलोग्राम है, वहीं F-16 का वजन 21,772 किलोग्राम है। रेंज के मामले में अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की रेंज 3,222 किमी है, यानी यह आसानी से इस्लामाबाद से भारत के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है। वहीं सुखोई इस मामले में पीछे है, इसकी रेंज 3,000 किमी है। इस वर्ष सुखोई को ब्रह्मोस के साथ टेस्ट किया गया है। सुखोई ने यह टेस्ट पास कर लिया है। सुखोई को रात में उड़ने की क्षमता से लैस करने के लिए इसे अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट होगी। इसकी रेंज 300 किमी तक है। BVR के मामले में देखेंगे, सुखोई में राडार सिस्टम को एक बेहतर करने के लिए इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉन्सेप्ट से लैस किया जाएगा। यानी अगर सुखोई दुश्मन को घेर लेगा तो उसी समय BVR मिसाइल उसे टारगेट कर लेगी। हालांकि F-16 में फिट BVR मिसाइल एमराम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जमीन पर हमला के मामले में इन दोनों एयरक्राफ्ट फिट बैठते हैं, जहां सुखोई इंटरनल फ्यूल के साथ कम से कम 8,000 किलोग्राम का वजन ढो सकता है। वहीं F-16 भी इससे इतना ही कारगर है। फ्यूल क्षमता के मामले में देखेंगे, F-16 की फ्यूल क्षमता करीब 3,175 किलोग्राम है। वहीं दो एक्सटर्नल टैंकों में यह करीब 5,443 किलोग्राम का फ्यूल ले सकता है। सुखोई साधारणतः 5,090 किलोग्राम का फ्यूल ले जा सकता है और यह तीन आंतरिक टैंकों में होता है। वहीं एक टैंक अलग होता है। इसकी अधिकतम फ्यूल क्षमता 9,400 किलोग्राम है। अब बात आती है दोनों के हथियार की। तो F-16 में देखेंगे, F-16 में F-61A120mm की मल्टी बैरल की बंदूक है जो 500 राउंड तक फायर कर सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइलों को इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन में मार कर सकने वाली पारंपरिक हथियारों को इसमें लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में यह सक्षम है। वहीं Sukhoi-30 की बात होती है तो Sukhoi-30 में 30mm की सिंगल बैरल GSH-301 जो 150 राउंड ही फायर कर सकती है। इस मामले में यह F-16 से पिछड़ा हुआ है। हवा से हवा में मार कर सकने वाली इसमें 6 मिसाइलें लगाई जा सकती है। हवा से ज़मीन में मार कर सकने वाली 6 मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती है। वहीं 6 लेजर गाइडेड बम को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। 8,500 किलोग्राम वजन वाले क्लस्टर बम और 80 से ज़्यादा अनगाइडेड रॉकेट्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इस मामले में यह F-16 से भारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सुखोई F-16 पर भारी पड़ता नज़र आता है। बाकी इन दोनों जेट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।